पूरी कट के कार में जा। ओए गाइस वेलकम बैक टू द व्लॉग। और सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 4:30 बज रहे हैं दोपहर के और हर्षित अपने घर पे है। सो कैमरा पड़ा था और मैंने कहा यार आज थोड़ा घर से ही व्लॉग करते हैं। तो बोरिंग तो चल ही रही है लाइफ यार, बाकी कुछ है नहीं इतना करने को, बट ठीक है अब टाइम पास तो हो ही रहा है। बाकी यार बोर तो हो ही रहा था तो मैंने कहा यार कैमरा ही खोल लो, कोरोना का कहर छाया है चारों तरफ। बाकी कल हम भी 12-12 बजे थे और बट वो इंसिडेंट तो मैं बता नहीं सकता, बट अब ठीक है। अब अगला व्लॉग मिलने भी वाला हुआ जो कल एडिट करा था और अभी मतलब 4 बज रहे हैं, अभी 6 बजे तक डल जाएगा वो व्लॉग, तो वो ज़रूर देखें और इंस्टा पे गाइस फॉलो करें। और 2-3 नॉर्मल बातें करनी थी मैंने, इतना कुछ खास था नहीं दिखाने को या करने को कुछ, बट मैंने कहा यार कोई नहीं व्लॉगिंग चैनल है तो दिखाना तो घर का ही है ना यार, ये बात तो होनी चाहिए। तो बस इसी वजह से मैंने कहा चलो दिखाएं। और मैं अभी नॉर्मल बस यही दिखा रहा था, नॉर्मल अपने पुराने व्लॉग्स देख रहा था और ऐसा लगता था कि यार जब चैनल खोला था तब एकदम जैसे हेजिटेट होता था कैमरे के सामने। मैं गोवा में जब हम गए थे पहला दूसरा व्लॉग ही था गोवा में तो हमारा, बस पहले का ही था वो, और उस टाइम पे तो बड़ी हेजिटेशन टाइप होती थी। अभी मैं अपने पुराने व्लॉग्स ही देख रहा था गाइस, तो भी दिखाता हूँ आपको। देख रहा था और ऐसा लग रहा था कि यार क्या ही था मैं, मतलब एकदम गंदी लग रहे थे देखने में, इतनी हेजिटेशन हो रही थी कैमरे के सामने। और बट ठीक था यार, स्टार्टिंग तो सबकी ऐसी ही होती है, बट इतना आगे भी नहीं पहुंच गए हम, बट जितना भी है अभी तक तो सो फार सो गुड है, अभी तक सब अच्छा ही चल रहा है, बट बढ़िया ही है यार, कोई चक्कर नहीं पड़ा। मैं यार प्यास लग रही थी, मैं फिर की कहते ने आम पन्ना बनाया। यार मैंने सोचा था कि छत पे जाके फिटनेस करूंगा थोड़ी बहुत, बाकी यार अब देखा है तो बाहर बारिश टाइप हो रही है अभी। मेरा तो यार हमारा मेरा मोतीलाल नेहरू रेगुलर कॉलेज में पढ़ता हूँ मैं, थर्ड ईयर आ गया अब मेरा, सेकंड ईयर वैसे 2 साल पता नहीं लगे कॉलेज में ना किस तरह से पास आउट हो गए, और मतलब मैं कॉलेज गया भी नहीं इतना, बाकी कॉलेज वाली लाइफ भी यार इतनी देखी नहीं ना दिखा पाए उस टाइम पे, बट अभी है थर्ड ईयर में जितना भी कॉलेज गया पर पक्का दिखाऊंगा और बताऊंगा कॉलेज में क्या क्या होता है, और एक रियलिटी बताऊंगा मेरे कॉलेज की भी। और रियलिटी मतलब इतना भी वो नहीं है, कोई पोल चिट्ठे नहीं खोलने मैंने किसी चीज़ के, बट ये है कि जितना भी है जैसा भी है जो भी होएगा दिखाऊंगा मैं आपको अपना कॉलेज भी। बाकी ये है कि अभी फेस्ट गया था मैं मनिंदर बुट्टर इंदर से आया था और वो मेरे हिसाब से वो बेस्ट फेस्ट था मेरे कॉलेज के, उससे पहले दिलप्रीत ढिल्लों आया था लास्ट ईयर जब हमारा चैनल नहीं बना था। बाकी ठीक ही था यार, बाकी घूम ही रहता, पर कॉलेज जाना ही बंद हो गया यार अब ऐसा लग रहा है। थर्ड ईयर में तो वैसे ही कम जाते हैं लोग कॉलेज, मैं पहले 2 सालों में बहुत ज़्यादा कॉलेज चला गया कि क्या ही बोल सकते हैं। बाकी ठीक है यार, अभी तो पेपरों का हिसाब नहीं है कोई, जिन्होंने 12th और 10th करी थी उनका भी रिजल्ट आ गया ऐसे ही इंटरनल प्री बोर्ड के बेस में, और मैं तो प्री बोर्ड पे हैरान हूँ यार, मेरे प्री बोर्ड दिए थे तो मैं फेल ही था प्री बोर्ड में, तो झूठ किससे बोलना और क्यों बोलना, प्री बोर्ड कोई देता ही नहीं था सीरियसली। बाकी ठीक है यार अब पता नहीं कैसे करेंगे, बट हर स्कूल को अपना रिजल्ट अच्छा ही चाहिए होता है, बाकी करेंगे जो भी करेंगे। तो गाइस अभी मैं हेडफोन्स खोल रहा हूँ अपने यार, इनकी पन्नी वन्नी तो एकदम ओके रिपोर्ट थी जैसा कि मैंने फाड़ दी है, बाकी लग तो ये अच्छे रहे हैं। अब सोनी में अच्छी ये बात होती है धक्के तो खिलवाते हैं ये, बट फिर ना ये क्या कहते हैं कि इनमें वो चीज़ हो जाती है क्या कहते हैं रिफर्बिशिंग देते हैं, एकदम रिप्लेस होकर नहीं मिलता। और ये मैं किसी को बता दूँ सबको, ये मेरा 3रा हेडफोन है जो रिप्लेस होकर मिल रहा है, और जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा एकदम नया हेडफोन है आपके सामने खुल रहा है ये, और ओके रिपोर्ट है अभी इसको मैं यूज़ करके देखता हूँ तो कैसा है कैसा नहीं और फिर बताता हूँ। बट ये वायर्ड था, मैंने वायर्ड लिया था तो ये वायर्ड ही मिला मुझे वापस में, बाकी देखता हूँ मैं इसको कैसा है कैसा नहीं। बाकी तो ये भी ओके रिपोर्ट मिली है वायर्ड इसकी, इसकी वायर पूरी मैं खोलूँगा नहीं अभी, बाकी इतनी है
बाकी देख सकते हो आप सोनी ओरिजिनल मिला है यार। ओरिजिनल लो तो ओरिजिनल ही मिलेगा ना, बात तो यही आ जाती है फिर। बाकी सोनी ठीक है, बट यार ये ना धक्के बड़े खिलवाते हैं। जैसे नॉर्मल बीम को जैसे होता है ना कि इतने धक्के खिलवाने के बाद बिल बिल चेक करते हैं, और जो कि ठीक भी है, बट ना ये वो है कि सरकारी अस्पताल जाते हैं वो ज़्यादातर वो एक टाइम पे इलाज कर ही देंगे आपका। यहाँ पे ये हिसाब है, इलाज तो हो जाएगा लेकिन रो रोगे खून निकाल निकाल के पीस देंगे, बस यही बात है गाइस। सो गाइस हेडफोन्स तो देख सकते हैं आप, ओके रिपोर्ट निकले थे डब्बे में से, डब्बा भी ऐसा देखते हैं कि जैसे हल्दीराम की मिठाई का डब्बा हो। बाकी तो ठीक है, खुल जा प्रावा, बाकी तो ठीक ही है गाइस। अभी मैं इसको यूज़ करके देखता हूँ। मैं अपना लैपटॉप ऑन करा है मैंने, और मैं इसमें वो चलाता हूँ अपनी क्या कहते हैं हाई वोल्टेज ही चलाते हैं। भाई ये तो डीजे से भी ऊपर है यार, बहुत तगड़ी आवाज है इसकी। तो गाइस आप देख सकते हैं वहां तक आवाज आ रही होगी, हेडफोन बहुत ओके रिपोर्ट दिए हैं। इसमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ आने की जरूरत भी नहीं पड़ रही मेरे कानों पे, ऐसे ही लगा दो यार, ऐसी वीडियो देख लो। अरे मैं तेरे नाम की वीडियो बनाई थी, जो गाइस नहीं देखी तो जाके जरूर देखो। बाकी मैंने बस ये तो ट्रायल के लिए लगा दिया कि कैसी आवाज है और क्या है, बाकी उसकी रिपोर्ट है यार आवाज तो इसकी नो डाउट, ये अपनी मनिंदर मोटर वाली। थैंक यू फॉर वॉचिंग हाई वोल्टेज व्लॉग्स यार, और थैंक यू यार इतना सपोर्ट कर रहे हो, और शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और यार सब्सक्राइब किए बिना ना जाओ। और जो भी नया बंदा चैनल पे आ रहा है यार, वीडियोस देखो, थोड़ा प्यार दो, शेयर करो, फैला दो। फॉलो अस ऑन इंस्टा, ऐड अस ऑन स्नैपचैट, मैं सारे लिंक्स दे दूंगा। और बाकी यार ठीक चल रहा है अब तक, थैंक यू अभी तक के लिए, और थैंक यू फॉर सपोर्ट हाई वोल्टेज ब्लॉग्स।